नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में पानी को लेकर कोहराम मचा हुआ है। दिल्ली में जारी जल संकट के बीच हरियाणा के जल संसाधन मंत्री अभय सिंह यादव ने कहा कि दिल्ली में पानी की समस्या आम आदमी पार्टी सरकार के आंतरिक कुप्रबंधन के कारण पैदा हुई है। यादव ने दिल्ली सरकार के इस आरोप को निराधार और तथ्यों से परे बताते हुए खारिज कर दिया कि भाजपा शासित राज्य दिल्ली को आवश्यक हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हरियाणा वर्तमान में दिल्ली को 1050 क्यूसेक पानी की आपूर्ति कर रहा है, जो 719 क्यूसेक के अनिवार्य आवंटन से अधिक है। सिंचाई और जल संसाधन राज्य मंत्री यादव ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा पानी के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करता है, बल्कि पानी को एक मूलभूत आवश्यकता मानता है। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय राजधानी को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसे हरियाणा का बिना किसी कमी के पूरा कर रहा है। यादव ने कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में आप सरकार की याचिका के जवाब में हरियाणा सरकार ने दिल्ली को अपनी जलापूर्ति के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा कि यह डेटा 23 मई से 12 जून 2024 तक की अवधि का है, जिससे पता चलता है कि हरियाणा ने दिल्ली के लिए मूनक हेड पर लगातार 1050 क्यूसेक पानी छोड़ा है। इसके अलावा QIRB ऊपर यानी यमुना नदी बोर्ड द्वारा निर्धारित 924 क्यूसेक से अधिक पानी का भवाना पॉइंट पर भेजा गया था। यादव ने कहा कि आधिकारिक बैठकों में पूरा पानी मिलने की बात स्वीकार करने के बावजूद दिल्ली सरकार मीडिया और राजनीतिक मंचों पर भ्रामक और अतिरंजित आंकड़े पेश कर रही है। हरियाणा के सिंचाई विभाग के आयुक्त और संजीव पंकज अग्रवाल और राज्य के अन्य अधिकारियों के साथ दिल्ली पहुंचे। यादव ने कहा कि हरियाणा लगातार दिल्ली को आवंटित पानी की पूरी पूर्ति कर रहा है। कि यहां तक कि दिल्ली के जल मंत्री के पत्र ने भी स्वीकार किया है कि दिल्ली को 18 जून 2024 को 513 MGD या 924 क्यूसेक पानी मिल रहा है, जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि हरियाणा ने हमेशा दिल्ली को पूरा पानी दिया है और दिल्ली में पानी की कोई भी कमी केवल दिल्ली के आंतरिक कुप्रबंधन के कारण है। उन्होंने दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए उस पर आंतरिक कुप्रबंधन को दूर करने के बजाय पानी के मुद्दों पर राजनीतिक नाटक करने का आरोप लगाया। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यू भारत।